वहीं राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 से जुड़ी हुई बड़ी खबर, जहां पर कोटा संभाग में एक भी घोषणा नहीं की गई। प्रत्याशियों की पहली लिस्ट तो बीजेपी की टिकटों में खास रही, लेकिन कोटा संभाग में एक भी घोषणा नहीं की गई। वहीं पहली सूची में 5 सीटों पर मीणा उम्मीदवार उतारे गए हैं, तो सीकर में बीजेपी ने लक्ष्मणगढ़, फतेहपुर और दातारामगढ़ में उम्मीदवार बदले हैं। तो ये कई ऐसी महत्वपूर्ण चीजें जो लिस्ट से सामने निकल के आई, चाहे वो हम 7 सांसदों की बात करते हैं या फिर हम 4 महिलाओं की बात करते हैं जिनको उम्मीद, जो प्रत्याशी जिनका नाम शामिल है। तो वहीं 5 सीटों पर मीणा उम्मीदवारों को उतारा गया है, तो सीकर में बीजेपी, लक्ष्मणगढ़, तो ऐसे ये कई नाम हैं। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं इस वक्त की। तो वहीं पूर्व आईएएस ने बाजी मार ली, पहली सूची में एक पूर्व आईएएस ने बाजी मारी। पूर्व आईएएस कामयाब हुए बीजेपी का टिकट लेने में। रिटायर्ड आईएएस चंद्रमोहन मीणा को 82 से टिकट दिया गया है। तो वर्तमान में रिटायर्ड आईपीएस लक्ष्मण मीणा कांग्रेस से विधायक हैं। तो आपको बता दें 82 से टिकट दिया गया है चंद्रमोहन मीणा को। ये रिटायर्ड आईएएस हैं, पूर्व आईएएस कामयाब हुए बीजेपी का टिकट लेने में, तो उनको टिकट दिया गया है। तो जो ये बीजेपी की लिस्ट है, पहली सूची जो जारी की गई है, कई चौंकाने वाले इसमें नाम है। चाहे हम 7 सांसदों की बात करें, 7 सांसदों को उतारा है, 4 महिलाएं शामिल हैं इस सूची में। साथ ही साथ रिटायर्ड आईएएस चंद्रमोहन मीणा को 82 से टिकट दिया गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की। तो वहीं कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला के पुत्र को टिकट दिया गया है। विजय बैसला को देवली उनियारा से टिकट मिला है। गुर्जर आंदोलन के प्रणेता रहे हैं दिवंगत कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला, जिनके बेटे को टिकट दिया गया है। भैरव सिंह शेखावत के दामाद है राजवी। तो वहीं विधायक नरपत सिंह राजवी का टिकट कटा, तो पूर्व उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत के दामाद है राजवी। हालांकि बीजेपी ने विद्याधरनगर सीट पर फिर से दाव खेला, राजपूत कार्ड चला। तो वहीं जयपुर के पूर्व राज परिवार की सदस्य रिया कुमारी टिकट लेने में। तो ये बड़ी खबर आपको टोंक देवली उनियारा से बता रहे हैं। तो वहीं विधायक नरपत सिंह राजवी का टिकट कटा, तो पूर्व उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत के दामाद हैं राजवी। हालांकि बीजेपी ने विद्याधरनगर सीट पर फिर से राजपूत कार्ड खेला। जयपुर के पूर्व राज परिवार की सदस्य दिया कुमारी टिकट लेने में कामयाब रही। तो आपको बता दें कि दिया कुमारी को विद्याधरनगर से टिकट दिया गया है, तो वो उम्मीदवार है इस लिस्ट में, उनका नाम शामिल है, सांसद है दिया कुमारी। तो उन 7 सांसदों में से ये एक नाम दिया कुमारी का, जिनको विद्याधरनगर सीट से टिकट दिया गया है। तो राजवी लगातार 3 बार से विद्याधरनगर सीट से विधायक है। तो अपना अलग अलग दाव बीजेपी ने चल दिया है, आचार संहिता, और साथ ही साथ चुनावों की तारीखों का ऐलान के बाद ही कुछ देर बाद बीजेपी ने अपनी लिस्ट जारी कर दी, जिस लिस्ट में 7 सांसदों के नाम, साथ ही साथ इन 41 नामों के अंदर 4 महिलाओं के नाम।